हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। तो सभी लोगों को पता है लगभग कि कल को एक महा धरना होने जा रहा है, UPPCL TG2 4102 लाइनमैन भर्ती, और जो TG2 का जो रिजल्ट है उसी के रिगार्डिंग एक महान बहुत यानी विशाल मात्रा में वहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं, और आपको भी वहाँ से ज़रूर पहुँचना होगा। जितने भी टीचर हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इंजीनियर अकेडमी देहरादून से भी आप टीचर आ रहे हैं, खासकर रमन सर, SKRT जो एकेडमी है वहाँ पर आपकी इलाहाबाद, और भी बहुत सारे जो चैनल वाले हैं, बैनकॉन्स, यानी काफ़ी जो चैनल वाले हैं और जो आपकी एकेडमी चलाते हैं, सभी टीचर्स लगभग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। स्थान मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहुँचना है लखनऊ इको गार्डन करके एक जगह है, वहाँ पर आपको पहुँचना है। लगभग आलमबाग से 2-3 किलोमीटर आसपास जगह है, वहाँ पर आपको सभी को पहुँचना है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अकेले किसी इंसान की नहीं है, ये लड़ाई सभी के हक के लिए है, लड़ाई है, और इसमें सभी को वहाँ पर सहयोग देना होगा। यदि इस बार आप सोए रहे तो समझ लेना, जो आप 4102 वैकेंसी का जो इंतज़ार कर रहे हैं और उसका सपना देख रहे हैं, तो दोस्तों वो वैकेंसी कभी आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो और अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचकर अपने हक की लड़ाई वहाँ पर स्वयं ही लड़नी होगी, क्योंकि जो सरकार सोई हुई है उसको जब जगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस समय पर यानी चुनाव के दौरान इस सरकार को हम इस समय पर नहीं जगा पाए, तो वो आने वाले समय में कभी भी नहीं जाग पाएगी, और जो हमने सपना देखा है UPPCL में भर्ती होने का, वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपसे, और मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है, सभी जो टीचर्स हैं वो लगभग सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। कल यानी 9 अगस्त इको गार्डन में आपको ज़रूर पहुँचना है, और साथ ही साथ आपको 2-3 दिन तक ये धरना चल सकता है। यदि सरकार इस हमारी मांग को नहीं मानेगी तो ये धरना 2-3 दिन से चल सकता है। तो आपको अपने साथ कुछ व्यवस्था, खाने की सामग्री, और आपको कुछ कम से कम एक चादर वगैरह तो लेकर ही जाना होगा, और कम से कम 1-2 जोड़ी कपड़े भी आप साथ में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कि यानी कल ही के दिन 9 अगस्त को एक विशाल धरना होने जा रहा है UPPCL TG2 रिजल्ट को लेकर, और आपका 4102 लाइनमैन भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।